उसी के रंग दिखाए दाता ने, और कभी जीवन में किसी के साथ अगर ऐसा हो भी तो भगवान का बड़ा धन्यवाद करना, प्रभु आपकी तरफ से मेरी आंखें तो बंद थी ही थी, इधर से भी आंखें बंद थी, आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि जिस पर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं अक्सर वही हमारी आंखें खोल देते हैं। फिर जब कोई आंखें खोल ही दे ना, तो उन आंखों को फिर भगवान की तरफ कर लो, फिर ना बंद करो, और फिर उसको कहो कि ऐसा फिर ना हो जाए हमारे साथ। तो पकड़ लो हाथ बन नहीं तो
तरफ से एक बार सीढ़ियों में से गिर पड़े। हमको कुछ लोग तो वहां से कुछ ने उठाया, फिर हमने कहा हमारा क्या गया। लोग कहेंगे ये 10-10 माला पहनने वाले इनके बच्चे यही गिर गए तो हमारा क्या होगा। रुक देखो, हम गिर गए हमारा कुछ न बिगड़ेगा। बच्चों का कोई नाम नहीं है, स्कूल का नाम है। तो भगवान हम डूब गए तो लोग कहेंगे बड़े कृष्ण कृष्ण करते थे, कृष्ण जी के दीवाने डूब गए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तू ही हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है ये
कुछ नहीं रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ। आप में से कितने लोग वृंदावन जाते हैं? जाते हैं। एक बार कह दीजिएगा माधव बिहारी लाल की। अच्छा, कोई मेरे भाई बहन ऐसे भी हैं जो अभी तक नहीं गए, वो भी जरा हाथ उठा के बता दे जो अभी तक नहीं गए। हम तो एक ही हाथ उठाए। अच्छा, ऐसा कोई भी नहीं है जो वृंदावन नहीं गए? अगर नहीं गए हो तो उठा दो, क्योंकि हम तो बिहारी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप यहाँ आ जाओ। खुद बुला लो पास अपने है। ये प्रार्थना होती है कि कई लोग कहते हैं, एक पंजाब के कीर्तन में एक बहन रो पड़ी थी, हमको बिहारी जी ने भी तो बुलाया ही नहीं। तो एक प्रार्थना हम गा रहे थे, हमने कहा साथ साथ गाए जाओ, आ जाएगा बुलावा। और सब में उनकी झांकी देखते हैं, सब में उनके दर्शन करते हैं, लेकिन वहां पर आप जाएंगे तो आप क्या देखते हैं? एक मूर्ति साबुत नहीं है, नाक काटे हुए हैं, कान काटे हुए हैं, एक भी मूर्ति साबुत नहीं है वहां। तो अपने बच्चों को ले जाएं कभी और दिखाएं कि देश जो आजाद है उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां हुई हैं। हम भी जब 90 के दशक में छोटे थे, हमें भी नहीं मालूम था, गलियों में खेल खेल के बड़े हो गए, फिर धीरे धीरे वृंदावन आए, फिर मीराबाई को पढ़ा, फिर चित्तौड़ को पढ़ा, मीरा को पढ़ा तो चित्तौड़ को पढ़ा, नहीं तो पता नहीं चलता। तो भगवान से प्रार्थना जरूर करें कि हमें, आप लोग जितने लोग हैं यहाँ पर पूरे फरीदाबाद में, जब भी आप लोग यहाँ पर सत्संग हो, जितने लोगों को जानते हैं उनसे भी कहें आओ तो सही, बैठो तो सही,
देखो तो सही, कुछ पल तो भगवान के चरणों में बैठो, फिर तो हम शिकायत के हकदार हैं ना, उसको कुछ कह सकते हैं। घर में बैठे बैठे भगवान को कोसते रहे, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आए वो और को लेके आए, फिर और को लेके आए। उन जगह पर तीर्थ पे जाने से मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको भगवान मिल जाएंगे, पर हाँ कल्याण तो होगा, जगह का जरूर असर पड़ता है। एक मंदिर में बैठ करके जितनी शांति मिलती है, शमशान घाट में जाते ही मन अशांत हो जाता है। क्यों? धरती तो वही है, धरती तो वही है, लेकिन वहां की नकारात्मकता और यहाँ की सकारात्मकता, एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो यहाँ बह रही है। वो सकारात्मक ऊर्जा क्या है? दिन रात होती है यहाँ पर, साई राम साई श्याम साई राम साई श्याम, दिन रात होती है। तो अंदर प्रवेश करते ही ऐसी सकारात्मक ऊर्जा हमारे सिर पर चढ़ जाती है, बाकी सब कुछ बाहर रह जाता है। फिर वो पाप की गठरी धीरे धीरे उतर जाती है, जिसे प्रार्थना ही करते रहते हैं। ईमानदारी से जो बोल सकते हैं वो जरूर बोलना और जोर से बोलना। और सात जगह भगवान का नाम है इस मंत्र में। श्री श्री को आप लक्ष्मी जी मान लीजिए, राधा जी मान लीजिए, जगदम्बा मान लीजिए। एक जगह श्री है और सात जगह कृष्ण है, मतलब एक बार श्री को मांगो, सात बार भगवान को मांगो। क्योंकि श्री अगर अकेली आएगी तो दुर्गुणों को साथ लेके आएगी। जिसके पास नई नई लक्ष्मी आती है दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? अकेली लक्ष्मी दुर्गुणों को साथ लाती है, लेकिन जब लक्ष्मी नारायण के साथ आती है तो फिर वो ध्रुव की तरह जीवन बिताता है, फिर वो प्रहलाद की तरह, जिसको कुछ नहीं चाहिए तो भगवान कहते नहीं मुझे देना है। ध्रुव कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान कहते नहीं मुझे देना है। तो श्री को एक बार मांगे और भगवान को सात बार। और वैसे भी हमने तो सुना है भगवान कि आधे नाम पे आ जाते, राम नहीं कहना पड़ता, राम कहते ही आ जाते हो, हरी नहीं कहना पड़ता, हाँ कहते ही आप आ गए। और गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज को ग्राह को मार छुड़ाए। गज ने हाँ कहा था, हरी तो बोला ही नहीं, हरी आ गए। तो आधे नाम पे आ जाते, कोई बुलाने वाला हो
बिना मोल बिक जाते हैं कोई जानने वाला हो। तो प्रभु आधे नाम पे आते हो, हम तो सात नाम को पा रहे हैं आपसे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण प्रेम से कह दीजिए।